ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, अनूठी संस्कृति और जैव विविधताओं से भरा नॉर्थ ईस्ट, जहां के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दे रहे हैं मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से हो रहा है लगातार विकास। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। समृद्धि और संपन्नता की अपार संभावना को समेटे भारत सरकार के निर्णायक फैसलों से गत 7 वर्षों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार हेतु लगभग 72,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 20,235 करोड़ की राशि से 3,110 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत लंबे राजमार्ग और नदी पर पुलों का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स क्षेत्र में लोगों के जीवन को सुगम और विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। आज असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के क्रम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला असम के डुबरी और मेघालय के फुलबारी के बीच देश के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का शिलान्यास और 900 करोड़ से अधिक की लागत से माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। डुबरी फुलबारी पुल के निर्माण से एक बड़े क्षेत्र के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। ये पुल 250 किलोमीटर की दूरी को कम कर दोनों स्थानों के बीच की दूरी को बना देगा केवल 19 किलोमीटर और 6 घंटे की कष्टदायक यात्रा को बदल देगा केवल 20 मिनट की सुगम यात्रा में। साथ ही 21वीं सदी की कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच होगी मिनटों में। बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। असम मेघालय का ये पुल पेट्रोलिंग वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस, 24/7 सीसीटीवी कैमरे, अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दूसरी ओर माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण से जोरहाट और माजुली के बीच 2-लेन कनेक्टिविटी स्थापित होगी। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन व माजुली की संस्कृति और आस्था को बढ़ावा मिलेगा और नदी द्वीप माजुली की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर के समग्र विकास को समर्पित सरकार दूर दराज के क्षेत्रों को पुलों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई राह से मिला रही है। ऐतिहासिक निर्णय दृढ़ संकल्प के साथ देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नए पुलों की शुरुआत।